आज कल्याणीपुरा के रेगर समाज ने सामूहिक रूप से एक बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य सरकार के आदेश अनुसार सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद से समाज में मृत्यु भोज पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु भोज के बारे में किसी को इकट्ठा करता है या किसी को मजबूर करता है तो सभी समाज मिलकर उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। आज से ही हमने इस कुप्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। आज कल्याणीपुरा के रेगर समाज ने सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से एक बैठक आयोजित करी, जिसमें सभी पंचों ने और सभी समाज बंधुओं ने मिलकर एक समाज के हित में एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। उसमें संपूर्ण समाज ने जो मृत्यु भोज होता है उस मृत्यु भोज पर पूर्ण तरह से पाबंदी लगा दी है और अगर कोई भी व्यक्ति इसके बाद में अगर कोई मृत्यु भोज करता है या करने की कोशिश करता है या किसी व्यक्ति को इसके उद्देश्य से इकट्ठा करता है तो उसके खिलाफ सब संपूर्ण समाज जाके कानूनी कार्रवाई करेगा और उसको मृत्यु भोज नहीं करना देगा। अगर तरीके से फायदा होगा समाज को, देखिए इस तरह है कि जो रूढ़ी परंपरा का चलते आए, आज अगर कोई मोसर गंगा प्रसादी या मृत्यु भोज करता है उसमें दो दो तीन तीन लाख खर्चा था, कोई गरीब आदमी कहीं से पैसा ला के बच्चे नहीं पालेगा, वो ऐसे सामाजिक जो कार्य वो करेगा, तो ये जो कुरीति है समाज में इसमें निश्चित रूप से समाज को एक गति मिलेगी और ये जो बुराई खत्म होगी उससे समाज को ऊँचा उठने में मदद मिलेगी। कहाँ पे हुई थी मीटिंग? ये हमारे कल्याणीपुरा रेगर मोहल्ले में मीटिंग हुई थी और इसमें जो पैसा बचेगा, मैं तो कहता हूँ जो पैसा बचता है आपके पैसा बच्चों के भविष्य के लिए काम में लीजिए, भविष्य के बच्चों की पढ़ाई के लिए काम में लीजिए, बच्चों के कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए कंप्यूटर है लैपटॉप वो दीजिए, बच्चों को शिक्षित कीजिए, उससे समाज को गति मिलेगी।